अस्सलामुअलैकुम पाक बाइकर्स, मैं उस्मान नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप पाक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जिस तरह हमारा थंबनेल था आपको समझ आ गया कि होंडा सिटी 125 2024 मॉडल जो है वो होंडा एटलस की तरफ से पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है। इस टाइम जो आपने ग्राफिक्स देख रहे हैं इस गेम के ऊपर, ये बिल्कुल 100% जो रियल ग्राफिक्स हैं 2024 मॉडल के, ये वही हैं जो हम आपको शो करा रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब की वो जितने भी लीक्स आए थे कि जी ग्राफिक्स में ऐसा चेंज कर दिया है, कोई कह रहा था मीटर चेंज हो गया है, कोई कह रहा था वो ब्लू कलर नया लॉन्च किया है, तो इस तरह की इतनी भी लीक्स थी वो सारी गलत थी। मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि वो सारे जो हैं उन्होंने व्यूज़ हासिल करने के लिए ऐसी वीडियोस लगाई हैं, मगर हो सकता है उनको कोई जो इन्फॉर्मेशन मिली हो वो वैलिड ना हो, इनवैलिड इन्फॉर्मेशन उनको मिली तो उन्होंने सही वर्किंग ना की हो। इसलिए मैंने वीडियो अपनी काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, और क्योंकि पूरी तहकीकात करने के बाद यार आखिर वो जो दोस्त हमारे वीडियोस लगा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर क्या वो रियल है या नहीं है, तो उसके बाद पता चला कि अब जो है होंडा की तरफ से इन्होंने होंडा एटलस ने जो 2024 मॉडल का 125 है इसको ब्लैक और रेड कलर में लॉन्च किया है। आप इस टाइम दोनों बाइक्स देख सकते हैं, ब्लैक कलर भी आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर और साथ में रेड कलर भी। अच्छा, मेजर चेंजेस की अगर हम बात करें तो मेजर चेंजेस इस दफ़ा होंडा की तरफ से क्या क्या आने थे। हर साल की तरह ग्राफिक्स तो इस दफ़ा भी चेंज हुए हैं, मगर ग्राफिक्स के अलावा भी हमें सुनने में आ रहे हैं कि इंजन के अंदर होंडा कुछ चेंजेस कर रहा है, इसके कार्बोरेटर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये लीक्स आ रहे हैं कि इससे जो कार्बोरेटर है उसके अंदर भी कोई फ़र्क आएगा पहले के मुताबिक, जिस तरह पहले था उससे कुछ हट के आएगा। बाकी जो है इन्होंने मेजर जो चेंज होगा वो ग्राफिक्स होगा, और जो छोटे मोटे चेंजेस में वो कार्बोरेटर हो सकता है ये उसका पूरा तो तब्दील नहीं करेंगे, मगर हो सकता है उसमें कोई छोटी मोटी तब्दीली ऐसी करें जिसको हम देख के या तो जो मिस्त्री हैं उनको खाली समझ आए, जो एक आम इंसान को वो तब्दीली समझ ना आए। इस दफ़ा इन्होंने जब CT70 लॉन्च किया 2024 मॉडल, इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं था ग्राफिक्स के अलावा, इसमें भी कोई ऐसी चेंजेस नहीं आई जिसको देख के हम हैरान हो जाते हैं। मगर इन्होंने अपना इस दफ़ा 60th ईयर जो इनकी एनिवर्सरी थी इन्होंने वो मनाई थी CT70 में, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि 125 के अंदर भी इस तरह का कोई मोनोग्राम्स वगैरह या इस तरह के स्टिकर जो हैं वो ऐड हो, क्योंकि ग्राफिक्स की अभी जो पिक्चर है ये लीक आई है, ये जो उन्होंने डिजिटल 3D फॉर्म में जो पिक्चर बनाई थी हम आपको वो शो कर रहे हैं, तो इस पर इतना ज़्यादा वाजह नहीं हो रहा कि इस पर क्या लिखा हुआ है इसे ग्राफिक्स के ऊपर, मगर आपने मुझे बताना है कि आप वो ग्राफिक्स कैसे लगे हैं, रेड कलर के अच्छे लग रहे हैं या ब्लैक कलर के अच्छे लग रहे हैं। दोनों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, पर्सनली मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही बाइक लॉन्च होना है मैंने इसको परचेज़ करना है, और परचेज़ की कहानी भी यहाँ पे हो रहा है कि यार 15-20 हज़ार ये लोग ऑन चार्ज करेंगे और हमारी मजबूरी, हमने आप दोस्तों के लिए परचेज़ करना है और उसके व्लॉग्स बनाने हैं, उसके रिव्यू करना है, और उससे हट के फ्यूल एवरेज और जो मसले मसाइल कैम का मसला, अगरारी का मसला या क्या क्या चेंजेज़ है, तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है ब्लैक कलर का पसंद आ रहा है या रेड कलर का। प्राइस के हवाले से बात की जाए तो 2,40,000 मेरे ख्याल से ये प्राइस जो है लॉन्च होगी, और पहले हफ्तों में हमें ये ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ये बाइक देखने को मिलेगा तकरीबन 2,60,55,60-10,15 हज़ार तो एटलीस्ट इसके ऊपर ऑन होगा। तो ये प्राइस की इसकी बात हो गई है। अगर आप दोस्तों को ब्लैक पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताएं, रेड पसंद आया, या हम अपने चैनल के लिए कौन सा बाइक परचेज़ करें जिस पर हमने आगे ब्लॉग बनाएं। अच्छा, तो गाइस इसके साथ साथ मज़ीद हमें जो लीक्स वीडियोस आ गई हैं नेट के ऊपर जो हमें मिली हैं कंपनी की तरफ से, इसमें आप देख सकते हैं कि मज़ीद चेंजेस क्या हैं। तो जब वीडियो आई है तो इसमें वाजे हो रहा है कि इनका जो मोनोग्राम है फ्रंट का वो भी चेंज कर दिया है, और उसके बाद जो साइड पर जो है एक इन्होंने सिग्नल भी दे दिया हमें, इसका मोनोग्राम आप देख सकते हैं, ये इन्होंने बाइक का चेंज किया है। इस टाइम मोनोग्राम जो पहले आ रहा था वो चेंज हो गया करता बॉस, और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस हुए, पब्लिक की डिमांड थी बहुत जल्द कहानी खत्म होने को आई, कार्बोरेटर का अभी तक एक्शन शुरू ही नहीं हुआ, हो सकता है अब मैं आ गया हूँ ना, वीडियो आई है वीडियो में एक बाजी, अब देख तमाशा दिखाता हूँ तेरे को अपनी पाशा। 2008-09 तक जो मॉडल आते रह गए क्या करता बॉस, आना ही पड़ा, पब्लिक की डिमांड थी, 100% जो लीक पब्लिक की डिमांड थी, कहानी खत्म होने को आई, इंशाल्लाह इस तक एक्शन शुरू ही नहीं हुआ, पाकिस्तान की लोकल, अब मैं आ गया हूँ ना, ये बाइक हमें देखने, अब देख तमाशा, और मुझे उम्मीद है दिखाता हूँ तेरे को अपनी पाशा। रेट थी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसका रिव्यू करेंगे, क्या करता बॉस, पसंद है तो वीडियो को लाइक पब्लिक की डिमांड थी।